अब जो देख पा रहे हैं जो अभी का स्वरूप है, ये घाट पहले वैसा नहीं था। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेके और यहाँ तक निर्माण तो दोस्तों इस समय मौजूद हैं मणिकर्णिका घाट पे, और मणिकर्णिका को महाशमशान घाट भी कहा जाता है। हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल गजब बनारस पे। और आज हम आपको दिखाने वाले हैं काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर में जो मणिकर्णिका घाट को लिया गया है उसकी क्या लेटेस्ट अपडेट है, यहाँ क्या कुछ नया बदलाव हो रहा है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ यहाँ लेटेस्ट अपडेट है। तो दोस्तों इससे मौजूद हैं मणिकर्णिका घाट पे, जिसे कि महाशमशान घाट भी कहा जाता है। और आपको बता दें कि काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के निर्माण में इस घाट को भी शामिल किया गया है। जैसा कि आप जो देख पा रहे हैं जो अभी का स्वरूप है, ये घाट पहले वैसा नहीं था। इसके बनने से पहले ये घाट पक्का ही था, लेकिन इतना कंजेस्टेड था कि यहाँ पे अग्नि संस्कार के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि चार फ्लोर इधर और चार फ्लोर इधर, और हर फ्लोर पे दो शवदाह करने की व्यवस्था है। और इस फ्लोर पे आपको बता दें, इस वाले पार्ट पे शवदाह चालू हो चुका है, जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे। और यहाँ पे अभी शवदाह की कोई अभी शुरुआत नहीं हुई है, जल्द ही इसे भी शुरू किया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि इस घाट के नीचे आप देख पा रहे होंगे कि जो पक्की सीढ़ियाँ बनी हैं, ये पहले यहाँ नहीं थी। तो जो अंतिम में जो शव आते थे, उन्हें गंगा स्नान कराने के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब जो है, अब ये सीढ़ियाँ यहाँ बन जाने से यहाँ पे जो स्नान है वो काफ़ी आसान हो जाएगा और सुविधाएं बढ़ जाएंगी। तो दोस्तों वीडियो में और बताएंगे आपको, बने रहिएगा। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बड़े बड़े पत्थरों को ले आकर रखा गया है, जो कि सीढ़ी निर्माण में काम में लिए जाएंगे, सीढ़ी बनाने में। और इसी के साथ आप देखिए कि वहाँ जो चौड़े चौड़े पत्थर हैं, उन्हें दीवालों में लगाने का काम किया जाएगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी अब पत्थर बिछाने का काम आधा कर लिया गया है और जल्द से जल्द इसे पूरा किया जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी दूसरी तरफ भी घाट के सीढ़ियाँ बनाने का काम बहुत तेज़ी के साथ हो रहा है। यहाँ पे पत्थर रखे हुए हैं और वहाँ सामने आप देखिए दीवार पे पत्थर लगाने का भी काम शुरू है, और इसे भी अब जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। आप देख सकते हैं कि कितना पुराना ये शमशान घाट है और इसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेके और यहाँ तक निर्माण कार्य चल रहा है। और आपको दिखाते हैं ऊपर की तरफ कि ऊपर क्या कुछ हो रहा है, तो बने रहिएगा वीडियो में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि नाव से ही और ये लकड़ियां लाई जाती हैं, जो कि शवदाह इनसे किया जाता है। आप देख सकते हैं लकड़ियां उतर रही हैं। दोस्तों इधर से थोड़ा सा डार्क आएगा, उसके लिए सॉरी, क्योंकि पीछे सूरज की रोशनी है। तो आइए अब आपको ऊपर की तरफ ले चलते हैं और आपको दिखाएंगे महाशमशान के कुछ दृश्य। और इसी के बगल में है बाबा महाशमशान नाथ मंदिर, जैसा कि आप देख सकते हैं, और आपको दिखाएंगे। यहाँ पे बोर्ड भी लगाया गया है जो कि डायरेक्शन बता रहा है, मंदिर परिसर शंकराचार्य चौक महाकालेश्वर भवन, जैसा कि आप देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा, आइए आपको आगे कर ले चलते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो घाट है वो इस तरीके से बना हुआ है, और काफ़ी पुराना ये शमशान घाट है, इसका उल्लेख पुराणों में भी आपको मिलता है। ये देखिए ये रास्ता है और ये गली सीधे आपको मणिकर्णिका द्वार ले जाएगी, आगे मेन रोड पे निकाल देगी। और इसी गली से होते हुए शवदाह आते हैं, शव यात्री आते हैं पार्थिव शरीर को लेके, और उनका शवदाह किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी सारी लकड़ियाँ भी रखी हुई हैं,
और इसी के जस्ट पीछे चल रहा है रैम बनाने का काम, जिसकी लेटेस्ट अपडेट हम आपको दूसरी वीडियो में दे रहे हैं। तो दोस्तों ये थी मणिकर्णिका घाट से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट कि इस घाट पे क्या निर्माण कार्य चल रहा है। और इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, हम इसी तरह की और वीडियोज़ आप तक लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।